हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रीति होयवाल और आप देख रहे हैं PS2 का वीडियो ब्लॉग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रूट्स वाला केक, जो अगर अगर पाउडर से बनता है, जो मतलब ग्लास जैसा, कांच जैसा दिखेगा। अगर अगर पाउडर को मैंने अमेजोन से मंगवा दिया था, तो मेरे पास आ गया है। और बाकी जो फ्रूट्स वगैरह चाहिए, मैंने अभी ब्लिंकिट जो ऐप है उसे ऑर्डर किए हैं। अभी जस्ट 18 मिनट में वो आ जाएंगे, तो उसके आते ही हम केक बनाएंगे क्रिस्टल वाला, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में है। ओके, तो मैं अगर अगर पाउडर वाला केक बनाने के लिए चाहिए 4 कप पानी, ये वाली कप साइज होनी चाहिए, 4 कप पानी, और ग्रेप्स 1 कप, शुगर, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल आल्सो, और ये बाउल। एंड अगर अगर पाउडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी से केक बनेगा ना। आपके पास जो भी फ्रूट्स होंगे वो चलेंगे, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जो है उनसे काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पानी को बॉईल करने के लिए रखेंगे, मैंने रख दिया है बॉईल करने के लिए। अब इसमें 2 स्पून अगर अगर पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 कप शुगर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, जब तक शुगर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। मिक्स होने के बाद केस बंद कर देंगे और बस इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम हमारा केक बनाएंगे। वो पानी ठंडा हो रहा है, तब तक हम हमारे फ्रूट्स कट कर लेते हैं। मैं अभी कीवी कट कर रही हूँ, कीवी को ऐसे ही राउंड स्लाइस में कट कर लेंगे। इसके बाद एप्पल को आप चाहे जैसे कट कर सकते हैं, एज योर विश। इसके बाद ग्रेप्स, देन स्ट्रॉबेरी ज़रूर लगाना, उससे बहुत अच्छा दिखता है केक। नाउ इट्स टाइम टू कट ड्रैगन फ्रूट। मेरे पास खजूर भी थे, तो मैंने खजूर भी यूज़ किया है। पानी ठंडा हो चुका है, तो हम अब केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1-2 चम्मच अच्छे से अगर अगर वाला पानी इस बाउल के अंदर नीचे डाल देंगे, पूरे को अच्छे से फैला दें ताकि कहीं रह नहीं जाए। बस अब सारे फ्रूट्स जैसे आपको लगाने हैं वैसे लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं खजूर को बीच में रख रही हूँ, उसके बाद स्ट्रॉबेरी, सारे फ्रूट्स जैसे आपको लगाने हैं आप लगा सकते हैं। एक बार फ्रूट अच्छे से सेट करने के बाद, लगाने के बाद, इसमें 1-2 चम्मच अगर अगर वाला पानी वापस डालेंगे, फिर उसके बाद वापस फ्रूट जमाना चालू कर देंगे। उसके बाद 1 स्लाइस और कंप्लीट होने के बाद फ्रूट्स की, उसके बाद फिर पानी डाल देंगे, फिर वापस से फ्रूट जमाना चालू कर देंगे, ताकि फ्रूट्स के बीच में भी पूरी जगह पानी हो जाए ना। अब बस आपके पास जो भी फ्रूट्स बचे हैं उनको जमा दीजिए इसके अंदर, चाहे जैसे रख दीजिए, क्योंकि ये केक वैसे भी उल्टा होएगा तो ये सब नीचे आ जाएंगे, तो अभी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा जमाएगा, क्योंकि जब केक को हम पलटी देंगे तो वो अच्छा दिखना चाहिए ना। लास्ट में जो भी आपके पास पाउडर पानी बचा हुआ है अगर अगर पाउडर वाला, वो सारा इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से हिला दीजिए। बस इसे फ्रीजर के अंदर 6-8 घंटे के लिए रख दीजिए। तो बस अब आपका अगर अगर पाउडर वाला केक रेडी है, एकदम जेली जैसा, स्पंजी, सॉफ्ट और खाने में भी अच्छा है। सारे फ्रूट्स एक साथ खाने को मिल रहे हैं इस केक में यार, और क्या चाहिए। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।